कनाडा के बीच में कुछ तनावपूर्ण संबंध हुए थे, जिसकी वजह से डिप्लोमेट्स काफी चर्चा में आए थे। अब डिप्लोमेट्स चर्चा में आए थे तो डिप्लोमेट्स के लिए एक ट्रीटी है, उसे कहते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ये 1961 में साइन की गई थी वियना में, इसीलिए इसका नाम वियना कन्वेंशन है। आज की तारीख में इसमें 193 पार्टीज है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनके जो रिलेशंस है वो रिलेशन कैसे मेंटेन रहे और वो रिलेशन कैसे आगे ले जा सके, तो जिसके लिए डिप्लोमेट्स एक सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज होता है। तो इसके लिए डिप्लोमेट्स को इसमें कुछ इम्यूनिटीज है वो कोडिफाई की गई है, और वो जो इम्यूनिटीज है वो इंटरनेशनली लगभग सारे कंट्रीज में इसको फॉलो किया जाता है, जिसमें कुछ मुख्य प्रावधान ऐसे दिए गए हैं कि जो डिप्लोमेट्स रहते हैं जो दूसरे देश में जहाँ पे रहते हैं, जैसे भारत के कुछ फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होंगे या कुछ स्टाफ होंगे, वो जब दूसरे देश में जाते हैं तो उनको कुछ इम्यूनिटीज रहती है, तो उस इम्यूनिटीज के बारे में कहा गया है वियना कन्वेंशन में। जैसे कि जो भी प्रीमाइसिस होता है एम्बेसी का, उस प्रीमाइसिस को होस्ट कंट्री कभी सर्च नहीं कर सकती, जो भी डिप्लोमेट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कभी सीजर नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जो डिप्लोमेट्स होते हैं डिप्लोमेट को कभी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और डिप्लोमेट्स को कभी कौन से भी कोई भी क्रिमिनल या सिविल केस में उनके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। डिप्लोमेट और डिप्लोमेट के फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी लगभग सारे के सारे इम्यूनिटीज वहाँ पे दी जाती है। डिप्लोमेट्स जो है जो जिस देश से आते हैं उस देश के साथ डिप्लोमेट्स को कम्युनिकेशन करने का एक फ्रीडम दिया जाता है। तो डिप्लोमेटिक ट्रीटी जो है वियना कन्वेंशन के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस ट्रीटी में और एक प्रावधान है आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर होस्ट कंट्री चाहे तो किसी डिप्लोमेट को वो उनके देश से निकाल भी सकती है, उनको उनके उनके जो कंट्री है वहाँ जाने के लिए उनको कहा जाता है। अगर वो नहीं जाते हैं तो उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वहाँ पे नहीं हो सकती। इसी के साथ इसमें और एक आर्टिकल है आर्टिकल 11.1, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि अगर होस्ट कंट्री चाहे तो दूसरे देश के जो मिशन रहते हैं उस मिशन के जो स्टाफ है उनकी जो साइज है वो डिसाइड कर सकती है। उनकी जो साइज है वो एक पर्टिकुलर उनका क्राइटेरिया रहता है, उस क्राइटेरिया के आधार पर डिसाइड हो सकती है। लेकिन अगर दो देश के बीच में ऐसे कुछ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो या कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा, तो जो रिसीविंग कंट्री रहती है इनके पास एक अथॉरिटी रहती है कि पर्टिकुलर मिशन की साइज कितनी रहे और वहाँ के स्टाफ कितने रहे, उसके ऊपर अगर कोई स्टाफ रहा तो उनको वहाँ पे डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी है वो नहीं मिल पाती है। तो वियना कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी ट्रीटी है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस ट्रीटी के वजह से जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है वो मेंटेन होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और वियना कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आया होगा।